and welcome to the YouTube channel of Zia Judicials, an institute located in Laxmi, Nagar, New Delhi. Aaj main Sheersha, Saxena, aapke saath discuss karungi the topic Subrogation, jo ki diya hua hai under Section 92 of Transfer of Property Act. इस टॉपिक से काफ़ी टॉपिक्स आते हैं जुडिशरी में और काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है सबरोगेशन के बारे में जुडिशरी में. सो लेट्स डिस्कस कि क्या क्या सब टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑन सबरोगेशन. सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि सबरोगेशन का मतलब क्या है, ठीक है. एंड देन इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करेंगे कि आखिर सबरोगेशन होता क्या है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ. देन हम लोग देखेंगे कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं सबरोगेशन के लिए. दो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं जो सबरोगेशन के लिए होनी चाहिए. देन हम लोग देखेंगे कि कौन सबरोगेट कर सकता है. फिर इफेक्ट ऑफ सबरोगेशन, सबरोगेशन का इफेक्ट क्या होता है, क्या होता है सबरोगेशन होने से. एंड एट लास्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सबरोगेशन, जो कि दो तरह के होते हैं, लीगल सबरोगेशन एंड कन्वेंशनल सबरोगेशन. और फिर इस वीडियो के आखिर में हम लोग एक क्विक रिवीजन कर लेंगे, ताकि एक पूरा टॉपिक हमारा रिकैप हो जाए जल्दी से. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो. सबसे पहले सबरोगेशन का लिटरल मीनिंग क्या होता है. सबरोगेशन का लिटरल मीनिंग होता है सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है. सबरोगेशन होता क्या है, सेक्शन 92 में क्या प्रोविजन दिए सबरोगेशन के रिगार्डिंग. सबरोगेशन क्या होता है, मान लीजिए एक पर्सन ने मॉर्गेज की हुई थी अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को, ठीक है, और बदले में उसने कुछ लोन का अमाउंट लिया था. अब वो मॉर्गेजर वो लोन का रीपेमेंट ना करके कोई थर्ड पर्सन अगर उस लोन का रीपेमेंट करता है और उस प्रॉपर्टी को रिडीम कर लेता है, देन ही इज सेड टू बी सबरोगेटेड टू द राइट्स ऑफ दैट मॉर्गेजी. और ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं सबरोगेशन. इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा. इस एग्जाम्पल को देखते हैं. इसमें ए ने अपनी प्रॉपर्टी एक्स मॉर्गेज की बी को, ठीक है, और बदले में बी ने उसको 2 लाख रुपए दिए, ठीक है. तो बी ने 2 लाख रुपए दिए और ए ने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की एक्स. अब ये थर्ड पर्सन है एम, एम ने ये 2 लाख रुपए बी को वापस करके ये प्रॉपर्टी छुड़ा ली, ये प्रॉपर्टी रिडीम कर ली. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन ने, थर्ड पर्सन ने इसकी प्रॉपर्टी छुड़ा ली, रिडीम कर ली पैसे दे के, इसे हम लोग कहते हैं सबरोगेशन. और इसे कहा जाएगा कि M इज सबरोगेटेड टू द राइट्स ऑफ B, यानी कि M को वो सारे राइट्स मिल गए B के मॉर्गेजी के. तो सबरोगेशन क्या हुआ, सबरोगेशन हुआ यानी कि जब मॉर्गेजर अपने पैसे ना चुका के कोई थर्ड पर्सन मॉर्गेजी को पैसे चुकाता है और प्रॉपर्टी रिडीम करता है, तो वो जो थर्ड पर्सन है उसके पास मॉर्गेजी के राइट्स आ जाते हैं. उसे कहा जाता है कि वो सबरोगेट हो गया है टू द पोजीशन ऑफ मॉर्गेजी. और ये जो प्रोसेस है जिसमें सब्स्टिट्यूट हो रहा है ये इसकी जगह पे, उसे पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सबरोगेशन. अब हम लोग देखते हैं कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, सबरोगेशन के लिए क्या ज़रूरी है. सबरोगेशन के लिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो प्रॉपर्टी जो मॉर्गेज हुई थी एक्स, इसका फुल रिडेम्पशन होना चाहिए, पार्शियल रिडेम्पशन नहीं अलाउड है, ठीक है. और ये जो सबरोगेशन हो रहा है ये होना चाहिए बाई अग्रीमेंट इन राइटिंग विच इज़ रजिस्टर्ड, यानी कि सबरोगेशन एक रिटन अग्रीमेंट के थ्रू ही होना चाहिए विच इज़ अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है. तो ये हो गया हमारा प्रोसेस सबरोगेशन का. अब हम लोग देखते हैं कि कौन सबरोगेट कर सकता है, हु कैन सबरोगेट. तो दो क्लासेस ऑफ पीपल है, दो कैटेगरी ऑफ पीपल हैं जो सबरोगेट कर सकते हैं. पहला, एक तो वो जो सेक्शन 91 में दिए हुए हैं जो अभी मैं डिस्कस करूँगी, और दूसरा कोमोर्टिगेज. क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि दो लोग की प्रॉपर्टी, वो दोनों मिल की प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर लेते हैं और कुछ लोन ले लेते हैं, तो अगर को मॉर्गेजर भी पूरे पैसे चुका के वो प्रॉपर्टी रिडीम कर लेता है तो वो भी सबरोगेट कर सकता है, ठीक है. इफेक्ट क्या होता है सबरोगेशन का, सबरोगेशन का इफेक्ट ये होता है, जैसे मैं पहले भी एग्जाम्पल में बता चुकी थी कि मॉर्गेजी के जितने भी राइट्स होते हैं, जितने भी राइट्स एंड पावर होते हैं, लाइक फोरक्लोजर का राइट, तो जितने भी राइट एंड पावर है वो अब मिल गए एम को, क्योंकि एम ने सारे पैसे चुकाए और प्रॉपर्टी रिडीम कर ली, तो अब उस सारे बी के जो राइट्स हैं वो मिल जाते हैं एम को. तो ये हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ सबरोगेशन, जिससे मॉर्गेजी के सारे राइट्स उस पर्सन को मिल जाते हैं, ठीक है. अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सबरोगेशन पे. सबरोगेशन बेसिकली दो टाइप का होता है, एक तो लीगल सबरोगेशन और दूसरा कन्वेंशनल सबरोगेशन. लीगल सबरोगेशन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, लीगल सबरोगेशन टेक इफेक्ट करता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है.
तो किसी भी पर्सन का अगर इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में या फिर वो श्योरिटी है उस प्रॉपर्टी का, तो वो पर्सन सबरोगेट कर सकता है। ये है लीगल सबरोगेशन, जो कि ऑपरेट होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, दूसरा आता है हमारा कन्वेंशनल सबरोगेशन। कन्वेंशनल सबरोगेशन में क्या होता है, कन्वेंशनल सबरोगेशन ऑपरेट होता है बाय एन अग्रीमेंट, जिस अग्रीमेंट में जो है हम लोग सारे राइट्स एंड पावर्स को बता देते हैं कि ये राइट्स एंड पावर होंगे, और ये ऑपरेट होता है बाय अग्रीमेंट। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक सबरोगेशन का, जिसमें एक थर्ड पर्सन क्योंकि पैसे दे के प्रॉपर्टी रिडीम कर रहा है, इसलिए उसके पास सारे अधिकार आ जा रहे हैं मॉर्गेजी के। इसके एसेंशियल रिक्वायरमेंट ये थे कि वो राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, और फुल रिडेम्पशन होना चाहिए, पार्शियल रिडेम्पशन अलाउड नहीं है। कौन कौन सबरोगेट कर सकता है, वो सारे पर्सन जो सेक्शन 91 में मेंशनड है, लाइक श्योरिटी और कोमॉर्गेजर एक्सेट्रा। इफेक्ट ऑफ सबरोगेशन क्या होता है, मॉर्गेजी के सारे राइट्स मिल जाते हैं उस थर्ड पर्सन को जिसने रीपेमेंट ऑफ लोन करके प्रॉपर्टी को रिडीम कराया है। और टाइप्स ऑफ सबरोगेशन, लीगल सबरोगेशन जो ऑपरेट होता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, और कन्वेंशनल सबरोगेशन जो कि होता है बाय रिटन अग्रीमेंट। थैंक यू, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।